A group of AAP leaders, headed by Ashutosh, reached Delhi University to verify Prime Minister Narendra Modi's BA degree. The AAP contingent failed to get an appointment from the Vice Chancellor. The university administration has asked AAP leaders to come tomorrow. किसी भी सक्षम अधिकारी से मिला दीजिए, हम भी कुछ रिकॉर्ड लेकर आए हैं, कुछ रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी और वित्त मंत्री ने और अमित शाह जी ने रिलीज किए हैं, वो रिकॉर्ड देख लें और बता दें कि ये रिकॉर्ड जेन्युइन है या फेक है। अभी बताते हैं, ऐसा है कि बड़ी देश के प्रधानमंत्री के डिग्री का मामला है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवालिया निशान उठा है और फर्जीवाड़े का आरोप लगा है, फर्जी डिग्री का आरोप लगा है। बहुत बड़ा मामला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी की ये जिम्मेदारी है कि इस विवाद को खत्म करें और जो सच्चे रिकॉर्ड्स हैं वो देश की जनता के सामने रखें। जो मार्क्स का टोटल किया गया है 1980 में, वो भी हाथ से है। यहाँ नीचे जो लिखा हुआ वो भी हाथ से है। यहाँ ग्रैंड टोटल किया गया ये भी हाथ से है। यहाँ रोल नंबर जो दिया वो भी हाथ से, यानी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसमें ज्यादातर चीजें हाथ से लिखी हुई हैं, क्योंकि 1978 में इस देश के अंदर कंप्यूटर नहीं था। टाइपराइटर का भी ऐसे टेबुलेशन करने में दिक्कत आती थी, इसलिए हाथ से लिखे होते थे। ये 1980 का मार्कशीट है, ये 1978 की मार्कशीट है जब मोदी जी वहां पास हुए हैं, और ये मोदी जी की मार्कशीट है जिसमें कहीं से कुछ भी हाथ से लिखा हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है? जिस भी आदमी ने फर्जीवाड़ा किया है, जिस भी आदमी ने फेक डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उसने पूरी कोशिश की है कि अगर कल जांच हो जाए, फोरेंसिक टेस्ट हो, तो यह पता ना चले कि किस आदमी के हैंडराइटिंग से यह बनाया गया। यह है इनके फर्जीवाड़ा का सच, और मैं चैलेंज करता हूं इसको गलत साबित करके दिखाने। एक आदमी, फर्जी आदमी को पेश किया गया, देश के वित्त मंत्री ने पेश किया, ये नरेंद्र मोदी के साथ रहते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ एबीवीपी का जो दफ्तर है, उस दफ्तर में मोदी जी जब आते थे तो वहां रहते थे। 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लागू की गई, तो जितने आरएसएस विरोधी पार्टियों के दफ्तर थे, उन दफ्तरों को सील कर दिया गया। सील करने के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं को फौरन वार्तालाप अरेस्ट कर दिया गया। जब दफ्तर सील हो गया और जब आप साधु के भेष में घूम रहे थे, तो आप कहां ठहरे हुए थे? ये इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत? दोनों 75 का एग्जाम दिया, न 76 का एग्जाम दिया, क्योंकि 77 में जाके इमरजेंसी हुई। तो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत मोदी जी की इस डिग्री को फर्जीवाड़ा किया गया है।